डबलिन के न्यू विलेज मैदान पर खेले गए आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने मेजबान आयरिश टीम को 143 रनों से हराकर सीरीज को अपने नाम किया। इस मैच में टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 70 रन पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ये मैच 143 रनों से जीत गई। आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने धमाकेदार 70 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के जड़े। हालांकि इस मैच में राहुल ने काफी धीमी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही कप्तान कोहली ने अपना विकेट गंवाया, वैसे ही मानो राहुल आयरिश टीम पर कहर बनकर टूटने लगे। शुरुआत में लगातार गेंद डॉट करने के बाद राहुल ने मात्र 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। इस मैच में केएल राहुल ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल राहुल दुनिया के इकलौते क्रिकेटर है जिन्होंने 700 से ज्यादा टी20 रन, 50 से ज्यादा की औसत और 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। गौरतलब है कि केएल राहुल अभी मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। हाल ही में संपन्न हुए IPL सीजन 11 में उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए 14 मैचों में 54.91 की औसत से 659 रन बनाए थे। सर्वाधिक रन बनाने के मामले में केएल राहुल तीसरे नंबर पर थे।